Hi guys and welcome back to my channel once again. This is Avantika welcoming all my happy faces. मेरे चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है. इस व्लॉग में आपका स्वागत है. इस व्लॉग को एंड तक देखना क्योंकि ये एंड होने तक नहीं पूरा ही ऑलमोस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. क्यों इसका रीजन मुझे भी नहीं पता. वो एंड में पता चलेगा ना देख के. मैंने पूरा मेकअप कर लिया है एंड द ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट इज अ मेकअप फिक्सर. ओके आई एम जस्ट डू बस नाउ आई एम सैटिस्फाइड. कहाँ जा रहे हैं अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है. थोड़ा सा शॉपिंग करेंगे और ऑब्वियसली साथ में लेके चल रहे हैं. साथ में चलना है शॉपिंग करना है. और एक चीज़ दिखानी है. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. ये देखो ये वाली जो दिख रही है आपको ईविल आई वाली. देखी ईविल आई के साथ एक स्टोन वाला है चेन. थोड़ा सा मैच अप हो गया. मैं दोबारा दिखाऊंगी. हाँ पहन लो है ना. तो ये जो है दिस हैज बीन गिफ्टेड टू मी बाय वन ऑफ माय सब्सक्राइबर फ्रॉम मनाली. आई एम सो सॉरी आई डोंट रिमेम्बर योर नेम. आई कांट रिकॉल. सो अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो प्लीज अपना नाम कमेंट कर देना इसमें. लव यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ प्रिटी प्रिटी यू नो दिस नेक पीस. एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मुझे लाइक करने के लिए मेरा इतना मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए थैंक यू सो मच. ये बहुत मैटर करता है हम लोगों के लिए. दिस इज़ द फर्स्ट गिफ्ट दैट आई हैव एवर रिसीव्ड ऑन माय चैनल बिकॉज ऑफ माय व्लॉग्स और मेरे सब्सक्राइबर के थ्रू. सो आई लव ऑल माय सब्सक्राइबर्स एंड थैंक यू सो वेरी मच टू ऑल ऑफ यू टू टेकिंग इट टू 1.8K प्लस. हम लोग ऊपर जा रहे हैं भाई साहब इतनी तेजी में. मुझे यकीन नहीं हो रहा है. निकलते हैं जल्दी से. मेन चीज़ तो मैंने आपको बता दी है. बाकी जो चीज़ें हैं ना वो रास्ते में बताती हूँ. तो बनी रही है इस व्लॉग में. इस व्लॉग को एंड तक देखेगा. लाइक करे बिना तो मैं जाने ही नहीं दूंगी. ठीक है ना. तो और जो नए व्यूअर्स हैं ना अवंतिका सब्सक्राइब कर दो. मिलते हैं. ये देखो यार ये कितने बढ़िया लड्डू बनाए हैं ना. ये सारे ड्राई फ्रूट्स के हैं. पापा मम्मी बेचारे बना रहे थे बैठ के मेहनत कर रहे थे और इतने टेस्टी बने ना. रश्मि यार हम लोग ये वाले लड्डू नहीं बना पाएंगे. पता नहीं आप में से कितने लोगों को आते हैं ये वाले मेवे वाले लड्डू बनाना. प्लीज कमेंट करना जरूर. ओके बहुत टेस्टी हैं. और हम दोनों रेडी हो गए और वेट कर रहे हैं लिफ्ट का. लिफ्ट आ चुकी है. मैंने इसका भी बन बनवाया अपनी तरह और आगे लिफ्ट. चलो मेरे को यार बन बनाना ज्यादा सही लगता है क्योंकि बाल खुले रहते हैं ना मुझे नहीं अच्छा लगता है. एक्साइटेड क्या लेंगी वहां जाके? यस आई एम एक्साइटेड वहां जाके. मैं आई एम प्लानिंग टू बाय वो प्रिटी सी नागरा जिसमें घुंघरू लगे या फिर मैं वाली स्लिपर्स लूंगी और सोप डिस्पेंसर तो जरूर लूंगी यार. अपने वॉशरूम से मैचिंग एक सोप डिस्पेंसर लेने का बहुत मन है मेरा क्योंकि सारी चीजें मैचिंग है वॉशरूम में लेकिन बस एक सोप डिस्पेंसर मेरा थोड़ा सा रेड कलर का है इंस्टेड ऑफ ब्लू. सो मुझे वो लेना है जो मुझे बहुत पसंद आया. पिछली बार नहीं ले पाई थी क्योंकि हैगल कर रही थी वो माना नहीं. मैंने कहा अब की बार तो भैया मैं कहूंगी जो तुम दे रहे हो जितने में दे दो हम ले रहे हैं क्योंकि वो मुझे मिल नहीं रहा है. तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं जाकर लेकर आऊं जल्दी से. और
और हम लोग फाइनली आ चुके हैं अपने हैंडलूम में, अरे एक्सपो में ना, एक्सपो किधर करा जाए। और लीजिए हम दोबारा पहुंच गए हैं हैंडलूम एक्सपो में शॉपिंग करने के लिए। हमारी कुछ ऐसी पेट शॉप्स हैं जो कि दोबारा से इन्होंने लगाई हैं, तो हम लोग वापस आए यहाँ से सामान खरीदने। और ये रहा सबसे पहला बैग का शॉप इन्होंने लगाया हुआ है। हमारे बैग्स काफ़ी वैरायटी है यहाँ पे, ये नहीं लगा था पिछली बार और अभी लग गया है। आप आ सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं काफ़ी बैग्स हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल हैं। और जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ पे सेरेमिक का सामान लेने के लिए, तो सबसे पहले मैं ढूंढ रही हूँ सोप डिस्पेंसर, वो मिल जाता है, उसे लेने के बाद हम बाकी की शॉपिंग शुरू करते हैं। चलिए, ये शेप क्यूट है ना, ये वाला शेप कितना क्यूट है। वी हैव दिस ट्रायंगल आल्सो, मतलब कटोरी के शेप तो काफ़ी है, लेकिन मुझे लग रहा है जो यूनिक वाला हो वाला हमें सेलेक्ट करना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू बाई वन ट्रायंगल एंड वन दिस वाला, और दो और लेंगे हम लोग, ठीक है। और जी हाँ, मैंने ले लिए अपने दोनों सोप डिस्पेंसर, और यहाँ पे करना पड़ा है वॉइस ओवर क्योंकि पीछे बज रहा था गाना और आ जाता कॉपीराइट। इतना ज़ोरदार गाना बज रहा था ना कि पूछिए मत, मुझे बाद में याद आया भाई ये तो मेरा बैंड बजवाया देगा। और ये रही हमारी नागरा वाले भैया की चप्पल, और ये बहुत दूर से आते हैं पंजाब से, और क्या बढ़िया चप्पलें लाए अब की बार। और ये देखो नागरा और ये वाली चप्पल जिसमें घुंघरू लगा हुआ है, कितनी प्रिटी है। बट यार दोनों ही मेरे साइज़ का नहीं था अनफॉर्चुनेटली। तो जैसे ही आए थे इन्होंने मेरी सिस्टर को कॉल करा, सिस्टर का तो उसने ले लिया था, बट मेरा जो भी अभी फुटवेयर है वो अभी बचा हुआ है, तो मैंने इनको ऑर्डर दे दिया है, इनको कलर बता दिया है, अपना मतलब अपने हिसाब का सब बता दो, ये कर देते हैं, तो दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट। तो इन्होंने मुझसे प्रॉमिस करा है कि क्रिसमस से पहले आ जाएगा, तो मैंने इनको बता दिया है, बाकी आई बी वेटिंग फॉर माय ऑर्डर डेस्परेटली। दीदी आप ये क्या कर रही हैं? मम्मी ने मना किया था ना, खुद भी समोसे जैसी हो रही हैं। लास्ट टाइम खा रहे, आप नहीं खाएंगे यार, बता रहा मम्मी को, देखो कितने गर्म आपके साथ ही हुई है। आप पहुंची हर इस और कैसे हैं टेस्ट में, क्या है खास आपके लिए? समोसे जरूर लेना। दीदी आपने फिर कुछ खरीद लिया? अरे ये तो चना जोर गरम है, इसमें तो कोई कुछ नहीं होता, देखो कितना लाइट है। अभी हैवी भी खा लिया, लाइट भी खा लिया, अब और कुछ बाकी इतने, है? इतने छोटे समोसे थे वो, देखे थे साइज। अब क्या बाकी है? अब कुछ नहीं, बस ये लास्ट था, एक बार घर चलते हैं। चलिए अब घर चलिए। चलो मंचकिन सोच रहा था ये चिंकी को मैंने ये दिया है ना मफलर दिया, ये क्या है मफलर है ना स्कार्फ जो भी, वो ये सोचता था कबूतर है और इसको उठा के ले गया था। आ गए हम लोग घर। अब आप ये सोच रहे होंगे आवाज़ और ख़राब हो गई, हाँ क्योंकि मैं गई थी शॉपिंग करने, ठंड में मैंने शॉपिंग करी है, और जो मेरे को ज़ुकाम और तेज़ ज़्यादा पकड़ रहा है, और खांसी भी आ रही थोड़ी, तो मैं भी क्रोसन खा लूँगी। इससे पहले मैं भूल जाऊँ, मैं पहले दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया, ठीक है। मैंने आपको बोला था मैं सोप डिस्पेंसर ले रही हूँ, सो जस्ट बिकॉज मेरे वॉशरूम का जो कलर है वो ब्लू है, ब्लू का कॉम्बिनेशन है, सो आई बॉट दिस वन, कितना प्रिटी है ना। मैंने पता कैसे लिया, मैं कह रही थी ना मैं बार्गेन के बिना नहीं लेती हूँ,
मैंने आज बार्गेन करा दिया भाई, मैंने 50 रुपए कम कराए, लेकिन मेरे को जो तसल्ली है ना, ट्रस्ट मी, लेडी समझ सकती हैं, बिल्कुल समझेंगी। और एक ही है, ये मैंने किचन के लिए लिया है और मुझे दोनों ही बहुत अच्छे लगे। हालांकि दैट अटैचमेंट हमारे वॉशरूम में है, वो वाला सोप डिस्पेंसर वाला ऑलरेडी जो वॉल में होता है, बट फिर भी मुझे यार ये सब बहुत अच्छा लगता है। आंट दे क्यूट, आई मीन कितने प्रिटी है यार, ये मुझे बहुत अच्छे लगे। ये मैंने जरूर, मैंने बस ये मैंने देखे और मैंने कहा कुछ चीजें होती है ना, आप जब आपने देखा और आपको लेना है, ये वो है। स्क्वायर शेप में था, इसमें ईविल आई बना हुआ है, ये मैंने लिया। और एक ये भी बहुत क्यूट था यार, इसका शेप देखो कितना क्यूट है। मैं साफ नहीं करा है, बाद में करूंगी। ऑलराइट गाइस, सो अब मैं जाऊंगी, थोड़ा सा कुछ खा के मैं दवाई पीऊंगी। और मैं स्पेशली, मुझे चाय पीने की वो हो रही है, क्योंकि इतना खा लिया पी लिया और अब उसके बाद अब लिटरली हालत ख़राब हो गई है। तो रात जैसे जैसे आती है ना, मेरा सब चोक होने लगता है अंदर ही अंदर, ये सब जितना भी जुकाम है मेरा और जितना भी साइनस है। बट मुझे एक चीज़ कहनी है, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस फैमिली सो फार। आप इसको इतनी दूर लेकर आए हो ना, ये मेरे अकेले का नहीं, ये आप सबका है, प्यार है मेरे लिए। एंड थैंक यू सो मच इस प्यार के लिए जो आप मेरे को दिखाते हो। एंड ट्रस्ट मी यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आई हैव माई ओन फैमिली ऑन यूट्यूब। यार बहुत बड़ी बात है। आई रिमेंबर दैट टाइम जो मैंने वो जर्नी स्टार्ट करी थी विद अराउंड 30 to 50, और मैं लोगों से बोलती थी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो कर दो कर दो। एंड आज ये दिन है कि मतलब आई डोंट इवन हैव टू आस्क पीपल टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड समटाइम्स आई गेट टू हियर आपका चैनल है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, ट्रस्ट मी, एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू ऑल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई नो, पता नहीं दूसरों के लिए क्या हो, बट मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मतलब विद इन दिस स्पैन ऑफ 6 months मेकिंग दिस 1.8K, आई मीन आई डोंट थिंक सो। जब मैंने स्टार्ट किया था और मैं 1K के लिए क्रिप करती थी ना, तो मुझे लोग कहते थे भाई एक साल के लिए तू 1K भूल जा, नहीं होने वाला। एंड ये हुआ है, तो शायद मेरी एक्साइटमेंट इस चीज़ को लेके इसका अलग ही लेवल है। एंड ऑब्वियसली आई वुड वॉन्ट टू गिव द क्रेडिट टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स और सारे वो प्यारे प्यारे स्पेशली जो मुझे कमेंट करते हैं, यार थैंक यू सो मच। हाँ, मैं व्लॉग बनाऊंगी जो आपने मुझे बताए हैं, 24 आवर चैलेंज वाला, और क्या कहते हैं मेकअप वाला होम टूर, बस वो डेकोरेशन हो जाए उसके बाद, क्योंकि अभी क्रिसमस की प्रिपरेशन चल रही है, बहुत काम है, तो सब कुछ बैक टू बैक लगा पड़ा हुआ है। तो बस एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द दिस एनुअल फंक्शन। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हमारे यहाँ हो भी रहा है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छी अच्छी साड़ियाँ मैंने निकाली हुई है, तो मैं सब दिखाऊंगी आपको, मतलब जो भी मेरी प्रिपरेशन रहेगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको लेके, एंड आप भी एक्साइटेड हो जाओ, क्योंकि आपको, यू आर ऑल्सो गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दिस एक्साइटमेंट। ओके, सो बने रहिए इस व्लॉग में और इसको देख के लाइक ज़रूर करना। ऑलराइट गाइस, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। आई टेक सम मेडिसिन एंड आई गो बैक टू स्लीप, एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और हमारे व्लॉग में बने रहिएगा और अपना प्यार दिखाते रहिएगा। इतनी मतलब मेरी हालत ख़राब होने के बाद भी आई एम ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट टू दिस व्लॉग। और कई बार ऐसा होता है कि आप लोग कमेंट करते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ अगर आप लाइक कर कमेंट कर रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट भी करिए। मैं हर चीज़ का वेट करती हूँ, मुझे सिर्फ इतना मतलब सिर्फ आपका ये प्यार देखना होता है, इसलिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। सो प्लीज़ अपना भी ख्याल रखिए, ठंड के मौसम में मेरी तरह घूमिएगा मत, ठीक है, या अच्छी तरह से वुलन पहन के निकलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।